लिए साधु यादव को माफी मांगनी चाहिए। स्वामी आचार्य जी वो भी इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप दूसरे के घरों में कीचड़ उछालने का काम करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रेचल के साथ शादी कर ली, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। उनके मामा, जो बड़े मामा है साधु यादव, वो भी इस शादी से नाराज चल रहे हैं। कल वो मीडिया के सामने आकर तेजस्वी यादव के बारे में बुरा भला कहा, यहाँ तक ये कह दिया कि तेजस्वी यादव अगर पटना में आएंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ मेरे को नहीं बल्कि पूरे यादव समाज को कलंकित कर दिया है। यादव लोगों को तेजस्वी यादव का बहिष्कार करना चाहिए, यादव समाज को तेजस्वी यादव ने कलंकित कर दिया है। इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी यादव के बड़े मामा हैं साधु यादव, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप में यह तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत मामला है। इस पर इसके साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती है, उनको भी लेकर बयान दिया है। पहले सुनिए हम प्रवक्ता दानिश रिजवान को, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, साधु यादव जी का बयान बिहार को और समाज को कलंकित करने वाला बयान है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अगर शादी करी है तो उनका साथी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना ये कहीं ना कहीं से उनकी विकृत मानसिकता को झलकाता है। हमें लगता है इसके लिए साधु यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी की एक पुत्री हैं, सिंगापुर में बैठी हुई हैं, रोहिणी आचार्य जी, वो भी इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप दूसरे के घरों में कीचड़ उछालने का काम करती हैं। इसलिए मामा भांजी के इन बयानों से आज समाज, देश और बिहार खुद को कलंकित महसूस कर रहा है। ये दोनों समाज के कलंक और कोल हैं। मामा भांजी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आपने सुना हम प्रवक्ता दानिश रिजवान को, उनके साधु यादव के बयान के बाद दानिश रिजवान गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि दानिश रिजवान के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी के बयान के कारण बिहार समाज कलंकित हो रहा है। हमेशा लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो भी तरह तरह के बयान देती रहती है। मामा और भांजी मिलकर तरह तरह के बयान देते रहते हैं। आपको बता दें कि कल जो तेजस्वी यादव के मामा थे साधु यादव, उनके बयान बेहद ही शर्मनाक था, जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। साधु यादव का कहना था कि जो तेजस्वी अपने बचपन के दोस्त बता रहे हैं वो बचपन के दोस्त नहीं है, भला उनके साथ डांस करने वाली और पीने वाली लड़की बचपन की दोस्त कैसे हो सकती है। इस तरह के कई सर्वनाक बयान साधु यादव के तरफ से कल दिए गए थे। यहाँ तक कि हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल किया था तो साधु यादव ने रिपोर्टर को भी ये कह दिया कि आप तेजस्वी ने आपको भेजा है क्या। इस तरह के बयान कल मीडिया के सामने साधु यादव ने दिया है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।